दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन को। दोस्तों आज सीटेट, यूपीटेट और जितने भी स्टेट लेवल के टेट हैं, साथ में रिटर्न एग्जाम जो होता है आपका सुपर टेट जिसे बोलते हैं, उसका एक टॉपिक है आपके सामने समावेशी शिक्षा। ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी आपके एग्जाम हैं उनमें 2 से 3 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा के आते ही आते हैं। समावेशी शिक्षा के टॉपिक का एक फायदा और है, अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो आपको प्रगतिशील शिक्षा जो आधुनिक शिक्षा है उससे संबंधित क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने के पहले भाई फिर से कहते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, सामाजिक दूरी का पालन करें और जितने भी दिशा निर्देश हैं उन सबका पालन करें ताकि किसी भी तरह से आप ना तो संक्रमित हो ना संक्रमण को फैले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा के प्रमुख लक्षण क्या है और समावेशी शिक्षा में अध्यापकों के कर्तव्य क्या है, के कर्तव्य क्या है, उन सभी पर चर्चा होगी। पहले बात करेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। आप समझिएगा 1994 में स्पेन में समानता सम्मेलन हुआ था। स्पेन में 1994 में समानता का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 92 देश के और प्लस लगभग 92 देश थे और लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। 92 देश थे, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे। बात कब की है, 1994 स्पेन की, इसमें इंडिया भी शामिल था और यहां से स्टार्ट होता है समावेशी शिक्षा। अब बात आएगी समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी अगर आप संधि विच्छेद करें तो समा प्लस आवेशन, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों का जाति, धर्म, लिंग, किसी तरह की विविधता को ना देखते हुए, उनकी पृष्ठभूमि को ना देखते हुए सभी बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसरों को शामिल किया जाए। यानी इस शिक्षा में क्या है, बच्चों का लिंग नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक पृष्ठभूमि नहीं देखनी है, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देनी है, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो पिछड़े हों, चाहे भाषाई आधार पर पिछड़ गए हों, चाहे वो पढ़ने में बहुत तेज हों, क्रिएटिव बच्चे हों, या वो किसी ऐसे समुदाय से आ रहे हों जो सामाजिक रूप से उतना उन्नत नहीं है, हम उन सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देनी है, उन सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें सभी बच्चे समान शिक्षा को प्राप्त कर सकें। अब समावेशी शिक्षा, कभी कभी क्वेश्चन आता है एक समावेशी कक्षा में, तो समावेशी कक्षा में और समावेशी शिक्षा में सारी एक ही बातें हैं, एक एक करके इसके पॉइंट पर निगाह मारते हैं। आप ध्यान रखिएगा सीटेट और यूपीटेट में जितने क्वेश्चन आए हैं सबका समावेशन आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना में एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट। आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था बनानी है बच्चों की, इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बच्चा जिसको देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, उसको आगे बिठा लेना है। ठीक, अगर किसी के पैर में दिक्कत है या कोई और समस्या है उसको किनारे बिठा देना है। यानी हर बच्चे के साथ, अगर किसी बच्चे के साथ कोई समस्या है तो उसकी व्यवस्था बैठने की अलग करनी है। यहां पे एक बात जोड़ दें, मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा जो बहुत इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, कम बोलता है, या बेचारा वो घबराया हुआ है, अभी भी नया आया है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, तो उसको किसी ऐसे बच्चे के साथ बिठा लें जो पढ़ने में तेज हो, जो सहयोगी प्रवृत्ति रखता हो और अपने साथी बच्चे को एक मित्रता वाले भाव के साथ उसकी कुछ हेल्प कर सके। इसीलिए एक शब्द कहा गया आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करना। दूसरा क्या, निशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना, पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड। निशक्त बच्चे क्या है, निशक्त बच्चे का मतलब
बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त हो सकते हैं, सामाजिक रूप से भी हो सकते हैं, कुछ भाषाई आधार पर निशक्त होंगे, जो ठीक से बोल नहीं पाते होंगे, उनके बोलने में कुछ दिक्कत होगी, या अभी तक उनको बहुत दबा के रखा गया जिसकी वजह से बेचारे ज्यादा बोल ना पाते हों, ऐसे बच्चों के पर विशेष ध्यान टीचर को देना है। टीचर को देखना है बच्चा बोल नहीं पाता तो उसको प्रोत्साहित करें बोलने के लिए। कोई बच्चा घबराता ज्यादा है, संकोच करता है, उससे वैसे डील करें। एक सिंपल सी बात समझिएगा, मान लीजिए हमने पहाड़ा याद करने के लिए कहा है पहाड़ा, अब एक बच्चा पढ़ने में तेज है तो उससे हमने बोल दिया बेटा 19 का पहाड़ा सुनाओ, लेकिन जो बच्चा कमजोर है, जो कम बोलता है, जो संकोची है, जो घबराता है, उसको हम सिंपल से काम दे देंगे, बेटा एक काम करो 10 का पहाड़ा सुनाओ। अब जब वो सुनाएगा तो उसका उत्साह बढ़ेगा, उसका संकोच खत्म होगा, टीचर के प्रति, क्लास के प्रति, पढ़ाई के प्रति डर खत्म होगा। तो हमें क्या करना है, निशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना है, जिन बच्चों के साथ किसी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, कैसी भी हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली, किसी तरह की उसके अंदर डिसेबिलिटी है, तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक, बच्चों को प्रोत्साहित करना, इनकरेज द चिल्ड्रन, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि बच्चे बोले, बच्चे अपनी बात को बोले, और ये तभी हो सकता है जब टीचर का व्यवहार उसके प्रति मित्रवत रहेगा। यहां पे याद रखिएगा एनसीएफ 2005 और 9 साफ साफ कहते हैं कि टीचर को मित्रवत व्यवहार करना है, टीचर को बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना है कि बच्चे उससे डरे। और वैसे भी अब जो शिक्षा है वो है कैसी, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा में सेंटर में बच्चे हैं, और जब बच्चे ही आपसे डरेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। तो बच्चों को महत्व देना है, ठीक, बच्चों को महत्व देना है, उसे प्रोत्साहित करना है, उसको बोलने के लिए, उसको क्लास की एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करना है। अगर उसके अंदर कोई सिंगिंग टैलेंट है, आर्ट का टैलेंट है, बोलने का टैलेंट है, लिखने का टैलेंट है, उसको प्रोत्साहित करना है, यानी मजाक नहीं उड़ाना। हो सकता है कोई बच्चा उसको बोलने में हकलाता है, अटक रहा है, तो हमें उसको अलग तरीके से उसको काम करना है। यानी मान लीजिए कोई बच्चा बोलने में अटक रहा है तो हो सकता है कि हम उसके साथ अलग तरीके से व्यवहार करें, उससे हम कहें बेटा लिख के दिखाओ। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना, हमें ये नहीं सोचना कि बच्चा अगर ये बोलेगा तो बाकी बच्चे हंसेंगे, तो उसको छोड़ना नहीं, बाकी बच्चे हंसेंगे नहीं, बच्चों को समझाना तो है, लेकिन हम उसके साथ क्या करेंगे, उससे कहेंगे बेटा लिख के दिखा दो। तो बच्चों को क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है, और जितना बच्चा इनकरेज होगा उसका पढ़ाई के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, टीचर के प्रति उतना ही सम्मान का भाव आएगा, और जितना सम्मान का भाव आएगा बच्चा पढ़ने में उतना ही अच्छा होगा। क्लियर। चलिए चौथे पॉइंट क्या आते हैं, सीखने में अच्छा बच्चों पे अतिरिक्त ध्यान देना, डिवोट एक्स्ट्रा टाइम फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड। जो बच्चे सीखने में अक्षम है उन पर विशेष ध्यान देना है, अलग से ध्यान देना है। जैसे क्लास में बच्चा समझ नहीं पाया क्योंकि वो सीखने में थोड़ा सा अक्षम है, तो उसको हम अलग से बता सकते हैं, क्लास के बाद अलग से बता सकते हैं, उसकी कॉपी में जाके बता सकते हैं, किसी बच्चे से कह सकते हैं बेटा हल्की सी हेल्प कर देना, उस बच्चे से कह सकते हैं कि बेटा चिंता ना करो, कोई समस्या हो तो हमसे कहना, इंटरवल में, स्कूल के बाद, पहले, कभी भी उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो किया जा सकता है। और वैसे भी आप जो ये पढ़ रहे हैं इससे आप टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर बनेंगे, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी, आपको भी उन बच्चों का पूरा ध्यान रखना है। फ्री टाइम है, बच्चों को बुलाइए, समझाइए, ठीक है। चलिए अगला क्या, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी टीचर की जो दो तीन बड़ी बड़ी विशेषताएं, तीन देखिए टीचर की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, किसी अध्यापक की तीन विशेषताएं मेन है, उसमें से एक क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। और एक और विशेषता है पेशेंस, धैर्य, टीचर के अंदर धैर्य होना चाहिए, और साथ में व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए। मतलब क्या है, आपके सीटेट में आपका जो पेडागॉजी का पोर्शन है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है, उसमें एक टॉपिक यही रखा, व्यक्तिगत विभिन्नता है। कैसे, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है,
एवरी चिल्ड्रन हैज अ स्पेसिफिक क्वालिटी एंड एवरी चिल्ड्रन इज डिफर फ्रॉम ईच अदर। एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। कैसे अलग है? बुद्धि में अलग हो सकता है, भाषाई आधार पर अलग हो सकता है, शरीर के आधार पर अलग हो सकता है, सामाजिक रूप से अलग हो सकता है। तो बच्चा अलग अलग है, हमें ध्यान रखना हर बच्चा अलग है। तो हर बच्चा अलग है तो ऐसा नहीं कि हर बच्चा अलग है तो हम अलग अलग उनको होमवर्क देंगे, लेकिन हाँ हमारी टीचिंग स्टाइल हर बच्चे के लिए अलग भी होनी चाहिए। जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको हम हल्का हिंट भी दे सकते हैं, जो बच्चा पढ़ने में तेज है उसको एक्स्ट्रा वर्क भी दे सकते हैं, जो बच्चा अलग कम तेज है कम स्पीड उसकी है तो उससे हम उस हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि जितने बच्चे हैं उनके अंदर विभिन्नताएं अलग अलग है, और हर बच्चे के अंदर अगर व्यक्तिगत रूप से एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है तो हमें उस बच्चे के साथ व्यवहार मेरा अलग तरीके का होना चाहिए, वर्किंग स्टाइल उसके साथ अलग होना चाहिए। हमारे यहाँ पुरानी कहावत भी है कि एक ही लाठी से गाय और बकरी नहीं हाँकी जाती। वो चीज यहां लगेगी, हर बच्चा अलग अलग है तो बोलने की उनसे काम कराने की स्टाइल भी अलग होनी चाहिए। कोई बच्चा बहुत डरता है टीचर से तो उससे हम बहुत पोलाइटली बोलेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा जो थोड़ा सा तेज है उससे अलग तरीके से बात करेंगे। उनकी व्यक्तिगत विविधताओं पर ध्यान देना आवश्यक है। ये टीचर का सबसे बड़ा गुण है। ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है कि अध्यापक का सबसे प्रमुख गुण क्या है, तो भैया सबसे जो प्रमुख गुण है उनमें से एक यह है व्यक्तिगत विविधताओं पर ध्यान देना। जब तक एक टीचर को दूसरे जो बच्चे हैं उनकी विविधताओं पर ध्यान नहीं होगा, हर बच्चा एक जैसा तो होगा नहीं, तो ठीक है आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 20 पढ़ने में तेज हैं, 10 कमजोर हैं, 10 बहुत ही कमजोर हैं, तो हमें सबकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखते हुए उनसे काम लेना है, उनसे काम की उम्मीद करनी है और उनसे उसी हिसाब से बात करनी है, डीलिंग करनी है। ठीक है भाई, चलिए अगला आता है। अगला क्या? विविधता, बहुत इंपॉर्टेंट। विविधता क्या होती? डाइवर्सिटी। विविधता क्लास में विविधता होती, विविधता नहीं अलग अलग तरीके से। विविधता में कई तरीके होती है। बच्चा सामाजिक रूप से दूसरे बच्चे से विविधता में रहता है, सांस्कृतिक रूप से अलग है, आर्थिक रूप से अलग है, बुद्धि में अलग है, तो हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग है। तो उसको हमें चिढ़ना नहीं है, इसमें हमें झंझट नहीं लेना है। विविधता हमारे लिए एक अवसर है अपने आप को भी निखारने का। अब आप ऐसे समझो जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हमने एक लेक्चर दिया, काम खत्म किया, लेकिन अगर बच्चा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका मतलब उसके अंदर तो उत्सुकता है ही। उस क्वेश्चन में जब हम आंसर दे देंगे हो सकता है हम भी कोई नई चीज सीख जाए। तो विविधता हमारे लिए अवसर है अपने आप को जानने का। और जब तक, देखिए जब तक हमारे सामने नए नए चैलेंजेस नहीं आएंगे हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो बच्चा जो है, जो बच्चे के अंदर विविधता है, ये हमारे लिए एक अवसर का रूप है। हमें इसको सेलिब्रेट करना है, उत्सव मनाना है, ये सोचना है कि किस्मत हमारी अच्छी है कि अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे। जितना अलग अलग तरीके के बच्चे मिलेंगे हमको पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा, उतने ही चैलेंजेस मिलेंगे, और ये एक तरह का हमें इसका सम्मान भी करना है। बच्चे के मन में कभी ना आए कि हम अलग हैं दूसरे बच्चे से, हम विविध हैं बच्चों से तो हमारा असम्मान होगा। नहीं, सम्मान भी होना चाहिए उसकी पूरी बात को, जो वो बोलेगा जो उसके अंदर विविधता है उसका सम्मान करें, और बच्चों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें, बच्चों को बताएं, कम्युनिकेट करें कि आपके अंदर विविधता जो है हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। ये तो हमारे लिए अवसर है, हम इस स्कूल नहीं आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे, काम खत्म। जब तक आप क्लास क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कैसे पढ़ाई में जाएंगे? नई नई चीजें निकल के आएंगी, कुछ तर्क होंगे, कुछ आर्गुमेंट्स होंगे कि ऐसा, कि अगर ऐसा ना हो जाए तो ऐसा ना हो जाए तो ऐसा, तो ये चीजों को ध्यान रखना है। तो विविधता का हमें उत्सव मनाना है, विविधता का सम्मान करना है, और विविधता हमारे लिए एक अवसर के रूप में है अपने आप को निखारने के साथ साथ बच्चों पर भी ध्यान देना है। ठीक है भाई, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। पृष्ठभूमि की परवाह क्यों करना है? अधिकार परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना। किसी बच्चे का बैकग्राउंड क्या है इसकी परवाह नहीं करनी है। कोई बच्चा सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, कोई बच्चा आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, कोई कम है,
तो हमें इन सब की परवाह किए बगैर, इन सबको नगण्य मानते हुए एक समान तरीके से पढ़ाकर उन सबके अच्छे परिणाम के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करना है कि चाहे जैसे बच्चे हों, अलग अलग हैं, लेकिन इनके ज्यादा से ज्यादा अच्छे परिणाम के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। वही मैंने लिखा है कि पृष्ठभूमि की परवाह किए बगैर सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अरे टीचर का कर्तव्य क्या है? टीचर का कर्तव्य तो यही है कि बच्चा कैसे भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, हमें उनके जो परिणाम है उसको सुधारना है, मेहनत करनी है, प्रयास करना है। ठीक है, व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप डालना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मालूम है प्रगतिशील शिक्षा में भी आता है, ये मैंने इसीलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट कई बार आ चुका है। चूंकि शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित, जिसके सेंटर में कौन है? बच्चा। तो बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, यानी व्यवस्था को हम बच्चे के अनुरूप ढालेंगे। अब इसका एग्जाम्पल आप अपने से ले लीजिए, अपने से आ लीजिए। शिक्षा व्यवस्था आज की जो चल रही, आज की, इसमें आपने अपने आप को नहीं ढाला है, हम लोगों ने आपके अनुरूप ढाला है। कैसे? आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़िए। आपको YouTube पर पढ़ना है, YouTube में पढ़ लो। आपको क्लासरूम में पढ़ना है, आप क्लासरूम में पढ़ लो। क्लासरूम में भी या कोचिंग में भी, किस कोचिंग में पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ना है, ये डिसाइड कौन करता है? तो आप करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो चेंज हो रही है आपके अकॉर्डिंग। आपको अपने हिसाब से टीचर चुनना है, किताबें चुननी है, कोचिंग चुनना है, ऑनलाइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या जो भी चीजें हैं, टेलीग्राम, इन पर आप स्वयं आ रहे हो। तो आप आ रहे हो ना, तो आपने नहीं चेंज किया है, व्यवस्था चेंज होगी आपके लिए। यानी याद रखिएगा, बच्चा चेंज नहीं होगा। क्यों बच्चा चेंज नहीं होगा? ऐसे आप याद रखिएगा कि ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा है बाल केंद्रित। तो केंद्रित का मतलब जो सेंटर में है, और बाल का मतलब बालक। तो बालक सेंटर में है, तो बालक इंपॉर्टेंट है। अगर बालक इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब सारी चीजों को चेंज होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रेन, यानी इंपॉर्टेंट कौन है? बच्चे। क्लियर भाई? और यही बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत भी है। ठीक, चलो आगे आते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, उनकी सक्रिय भागीदारी पर जोर होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी, बच्चा बैठा है, हमें तो पहला काम क्या करना है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी करनी है, यानी बच्चा एक्टिव हो, क्लास में बोले, पढ़ाई की बात हो उसमें बोले, खेलने की बात हो आगे से आगे रहे, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन उसमें आगे से आगे आए, क्लास में कोई प्रोजेक्ट वर्क है उसमें आगे आ गया है। इसीलिए तो कई जगह पर जोर दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप पढ़ाई पर, यानी चार चार पांच पांच बच्चों के ग्रुप बना दिए जाए और वो बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से आपस में एक दूसरे से सीख लेते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी बहुत जरूरी है। यहां पे अभिव्यक्ति की आजादी वो राजनीति करने वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक बच्चे का जो एक्सप्रेशन है, उसके मन के जो भाव है, हमारे तक नहीं पहुंचेंगे, हम जान कैसे पाएंगे? और देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी टीचर के लिए एक अवसर है, ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है। कैसे? ये जानने का कि बच्चा क्या समझ पा रहा है, और अगर बच्चा कुछ नहीं समझ पाया तो क्यों नहीं समझ पा रहा है, और उसके अधिगम में क्या कठिनाई है, ये तभी जान जाएंगे हम जब बच्चे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। हमने किसी बच्चे से पूछा, उसने कोई हमें आंसर दिया, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर गड़बड़ है तो क्यों गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है, क्या समस्या है, उसके आकलन में क्या समस्या है, ये सारी चीजें तभी सीख सकते हैं जब बच्चे की अभिव्यक्ति की आजादी। तो अभिव्यक्ति की आजादी होना चाहिए और क्लास में बच्चों की सक्रिय भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। देखिए, स्कूल में दो तरह की गतिविधियां होती, एक शैक्षिक गतिविधियां, एक शिक्षणोत्तर। तो शैक्षिक गतिविधि मतलब पढ़ाई वाली चीज, शिक्षणोत्तर का मतलब सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, जीके कॉम्पिटिशन, आर्ट कॉम्पिटिशन, खेलकूद कॉम्पिटिशन, जो भी चल सके। तो हमें क्या करना है? बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है कि वो भागीदारी में हिस्सा लें। जितने बच्चे भागीदारी में हिस्सा लेंगे, उनके अंदर अपने आप
अभिव्यक्ति की आजादी हो जाएगी, और जितना ज्यादा बच्चों की अभिव्यक्ति की आजादी होगी, बच्चे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। जितना ज्यादा प्रोत्साहित होंगे, बच्चों की जो सामाजिकता है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। बच्चों की सामाजिकता बढ़ेगी, बातचीत का तरीका बढ़ेगा, तो ही तो वो देश के सफल नागरिक बन पाएंगे। और ये समावेशी शिक्षा का सिद्धांत ये क्या कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि जितने बच्चे हैं उन सभी को हमें बिना भेदभाव के शिक्षा देनी है। और ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हर बच्चा बोले, हर बच्चा शैक्षिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले। और लेकिन बढ़ चढ़ का हिस्सा कब लेगा? जब आप उसे प्रोत्साहित करें, बच्चे को प्रोत्साहित करें। अरे नया नया बच्चा आया स्कूल में, हो सकता है वो किसी पिछड़े वर्ग से आया हो, ठीक, तो अगर पिछड़े वर्ग से आया होगा आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तभी तो बोलेगा। अरे हो सकता है वो बच्चा आगे जाके कुछ बन जाए। आप ध्यान दीजिएगा, आपको कहानी याद होगी कि एडिसन ने अपनी मैडम से बोला कि मैडम पक्षी उड़ते क्योंकि पंख होते हैं, चिड़िया के पंख नहीं होते हैं। मैडम ने उसको डांट दिया, लेकिन उसके मन में वो बात आ गई। फिर उसने प्रयोग किया, कुछ कीड़े इकट्ठे किए, वो कीड़े पीस कर उसने नौकरानी को खिला दिया, नौकरानी बीमार पड़ गई। ये प्रयोग तो उसका उल्टा हुआ, लेकिन इससे क्या दिखाया जाता है? इससे होता है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। और वही बच्चा बाद में जाके बल्ब का आविष्कार करता है, इंजन का आविष्कार करता है, ये सारी चीजें। तो हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है, ठीक। एक चीज और, समावेशी शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में, प्रगतिशील शिक्षा में क्या नहीं करना है? अब ये क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे आएगा समावेशी शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा या आपका क्या देगा, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं करनी है। टोकना नहीं है। अब देखो यहां पर चीज समझना, टोकना नहीं का मतलब क्या है? हमने किसी बच्चे से पूछी, उस बच्चे ने जवाब देना चालू किया और जवाब गलत है, तो हम उसको टोकेंगे नहीं, पर गलत हो गया, नहीं ऐसे नहीं कहना। क्यों? उसको बोलने दीजिए, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वो सही लाइन पे नहीं आएगा। हो सकता है शुरू की चार लाइनें उसकी गलत हो, बात की चीज हो, और आपने पहले ही उसको डांट दिया, तो उसका जो इनकरेजमेंट है, उत्साह, वो खत्म हो जाएगा, फिर वो दब्बू बन जाएगा, ठीक। तो मैं इनकरेज करता, पूरी बात उसकी सुनिए, फिर देखिए उसने कहां गलती की, फिर इसको प्यार से समझाइए, बेटा ये गलत था, ये सही था। और आपका जो गलत नहीं, उसको वैसे नहीं बोलेंगे वहां सब गलत है, उसको हम क्या बोलेंगे कि बेटा और प्रयास करो, तुम अच्छा कर सकते थे लेकिन तुमने कम मेहनत की, कल और मेहनत करना, बढ़िया कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अब हमने क्या किया, इतना बोला उसको टोका नहीं, उसका उत्साह उसके अंदर भर गया, कल वो और तैयारी करेगा, ठीक है ना। तो टोकना टोकना नहीं, डांटना तो बिल्कुल नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा तो डांटने से मना करती है, और अब तो आपने खुद देखा होगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मारना नहीं है, मारना भी नहीं है, डांटना भी नहीं है, प्यार से समझाना है। कई शब्द होते हैं, हमने भी एग्जांपल दिया, हमने इतने साल स्कूलों में पढ़ाया, वहां पे कई बार बच्चे बड़ा गड़बड़ काम कर देते हैं, और जब उनके माँ बाप उनसे भैया पोजिशन किया तो कभी भी ये नहीं कहते थे कि नहीं बिल्कुल बेकार है, कहते क्या है भैया अगर लापरवाही करता है और मेहनत करनी चाहिए, तो बच्चा भी खुश, माँ बाप भी खुश, और वही बच्चा आगे जाके प्रयास करेगा। तो टोकना रोकना नहीं है, डांटना नहीं है, लड़ने पर जोर नहीं देना है। कोई क्वेश्चन को लंबे लंबे क्वेश्चन याद कर रहे, निबंध याद कर रहे, लॉन्ग आंसर याद कर रहे, सेंट्रल आइडिया याद कर ले, ये कोई प्रतिभाशाली बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं। एक फिल्म आई थी थ्री इडियट, आपको याद होगा थ्री इडियट, उसने कहा एक सीन आपको याद होगा, मशीन की डिफिनेशन की बात आई थी, और एक एक्टर था उसमें चतुर्राम लिंगम करके, उसने पूरा मशीन की डिफिनेशन बोली, और वही सिंपल शब्दों में मशीन के लिए कहा था आमिर खान ने कि दैट रिड्यूस आवर एफर्ट इज मशीन, ऐसा कुछ। और आप ध्यान दीजिएगा उस एग्जाम के बाद आमिर खान ही नंबर एक पे आए थे, ठीक, और चतुर सेकेंड नंबर पे आया था। मीन्स रटना नहीं है, समझना है, बच्चों का मानसिक विकास करना है, रटाना नहीं है, क्लियर, रटाना नहीं है। जो बच्चे लंबे लंबे निबंध रट ले, लॉन्ग आंसर रट ले, वो कहीं से भी बुद्धिमान या प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। आदेश नहीं देना, देखो एक चीज याद रखिएगा, आदेश देना, निर्देश देना, आप सी टेट के क्वेश्चन पढ़िएगा, किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में ऐसे आ जाए निर्देश दीजिए, रटिए, या बच्चों को ये कहिए वो ये करें, आदेश दे, वो आप ऑप्शन हमेशा गलत ही करिएगा, वो कभी सही नहीं होंगे।
ये सब नहीं कराना, सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति दिखाना। अब इसमें कई लोग कंफ्यूजन रहते हैं सर, ये क्या बात हुई, सहानुभूति दिखाई नहीं जाती है, सहानुभूति मन में रखी जाती है। एक मेरी क्लास में विकलांग बच्चा है, उसके लिए हम क्या करें, ये थोड़ी कहीं गाने दे आओ बेचारा आगे बेचारा आगे उसको बिठा दो बेचारा, नहीं नहीं हमें उसकी व्यवस्था बनानी है, सहानुभूति उसके लिए मन में रखनी है, उसको हम अलग से टाइम देंगे, उसको हम अलग से प्रोत्साहित करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसकी बात को सुनेंगे, उसको मौका देंगे, लेकिन उसको सहानुभूति देंगे नहीं, उसको दिखाएंगे नहीं कि हम सहानुभूति दे रहे हैं। क्योंकि अगर आज हम सहानुभूति दिखाएंगे तो वो बेचारा बन जाएगा। किसी बच्चे को बेचारा नहीं बनाना है, बच्चे को स्ट्रांग करना है। अरे हम तो इतने साल पढ़ाते हो गया, कई स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो थे फिजिकली डिसेबल लेकिन आज वो टॉप पे है, टॉप पे पीसीएस तक बन चुके हैं। लेकिन हाँ क्या है, सहानुभूति मन में रखनी है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं वो करना, दिखाना नहीं है। ठीक, तो ये समावेशी शिक्षा का पूरा सिस्टम है, याद रखिएगा। सहानुभूति शिक्षा जो माफ किया समावेशी शिक्षा, उसकी स्टार्टिंग 1994 स्पेन के सम्मेलन से हो रही है, 92 देश वहां पे गए थे, 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गए थे, शैक्षिक संगठन, और उसमें भारत भी था, और वहीं से एनसीईआरटी ने समावेशी शिक्षा को अपनाया। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और समावेशी शिक्षा के जितनी भी चीजें हैं वो अधिकतर ऐसी लग रहा है कि 10 पॉइंट अच्छे से पढ़ लें, और ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूं उसको एक या दो बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। आज तक सीटेट में जितने क्वेश्चन आए हैं, सीटेट में, यूपीटेट में, स्टेट लेवल में, चाहे राजस्थान हो चाहे एमपी हो, जहां भी है, समावेशी शिक्षा के सारे क्वेश्चन का समावेशन हमने यहां किया है। कुछ प्रतिभाशाली छात्र और बाल केंद्रित शिक्षा का पॉइंट भी यहां आ गया है, और अध्यापकों के लक्षण भी कुछ यहां पर आ गया। समावेशी शिक्षा को इंग्लिश में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें सभी लोग समाहित हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपने देख लिया है, निश्चित तौर पे आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई थोड़ा सा आलस कम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। लॉकडाउन खत्म होते ही जितनी रुकी वैकेंसी सब एक साथ आएंगी, तो पहले से तैयार रहिए। जब प्यास लगे तब कुआं नहीं खोदना है, ध्यान रखिएगा, पहले से कुआं खोद के तैयार रखिए, और जैसे ही प्यास लगेगी पानी पी लेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।